कामठी के नए पुलिस स्टेशन अंतर्गत कनान नदी का नेरी रेत घाट नीलामी नहीं होने के बावजूद अंधेरे में रेत ले जा रहे 60 ट्रकों को डीसीपी जोन 5 के स्क्वाड ने सोमवार मंगलवार के दरमियान रात कार्रवाई कर जब्त किया। 9 लोगों के खिलाफ कई धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपियों को मंगलवार को अदालत में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर लिया गया। तहसील के रेत घाटों में उनगांव और चिकना रेत घाट की नीलामी मार्च 2021 में हुई थी। उसी प्रकार पार्शनी तहसील में आने वाले सिंगारदीप रेत घाट की नीलामी भी मार्च 2021 में हुई थी, लेकिन सिंगारदीप गांव के लोगों ने गांव से रेत ले जाने का विरोध करने पर सिंगारदीप घाट की रेत नेरी घाट से निकाली जा रही थी। नेरी घाट की नीलामी नहीं होने के बाद भी रेत में अवैध रूप से रेत उत्खनन करने की जानकारी डीसीपी नीलोत्पल को मिली थी। जानकारी के आधार पर डीसीपी पतक ने सोमवार की रात घाट पर दबिश दी और 10 चक्का 60 ट्रक कब्जे में लिए। आरोपी पवन ठाकुर पीना संगम निवासी, विक्की बडेल पिंपरी कन्हान, साहिल चौधरी पिंपरी कन्हान, तकुल वल्द कदीर खान, शमीम वल्द गुलाम अंसारी, अंकित रामू घरोड़ा, शकील सगीर अहमद, शकील सगीर अहमद, अजय सुरेश चौधरी, मंगेश चुनीलाल पारदी, इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से रेत लदे ट्रक सहित 1,28,42,000 रुपए का माल भी जब्त किया गया। सभी आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। आगे की जांच वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय मालची के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश कन्ना के कर रहे हैं। इसमें ऐसा है कि हमारे जोन 5 सर जो है नीलोत्पल सर, इनकी इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कन्नन नदी का जो घाट है सिंगारदीप करके, वहाँ से चोरी छिपे रात के वक्त रेती की तस्करी की जाती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन होने की वजह से उन्होंने वहाँ पे छापा डालने के लिए हमारे जोन 5 के स्क्वाड जो है, हमारे एपीआई विजय बी सर और उनका स्टाफ और बाकी लोग जो है उनको वो कामगिरी में भेजा था। तो कल रात में सिंगारदीप जो घाट है वहाँ से दिन में वालू का उत्खनन होता है रेती का और वो डंप किया जाता है अपने एरिया में, वहाँ से उनको परमिशन है। लेकिन रात के वक्त वो लोग चोरी छुपे ऐसा उत्खनन करते, ऐसे इनफॉर्म होने की वजह से हमारा स्टाफ वहाँ पे गया था रात के 10:30 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक। जब वो सर्चिंग कर रहे थे उस टाइम कनान घाट की नदी से जो अवैध रेती का उत्खनन किया जाता है उसमें कुछ ट्रक घाट से ऊपर आते वक्त देखे गए और वो चोरी छुपे जा रहे, ऐसी इंफॉर्मेशन की वजह से हमने उन्हें चेक किया हमारे स्टाफ ने। तो हमें 7 गाड़ी मिली है जो चोरी छुपे रेती का उत्खनन करके लेके जा रहे थे। तो उन्होंने हमारे स्टाफ में उनको ताबे में लिया और पुलिस स्टेशन ला के उन पर कार्रवाई किया। उनमें हमने 60 ट्रक पकड़े हैं जिसमें बालू थी और सब मिल के टोटल माल 1,28,00,000 का है वो हमने जब्त किया है और उसमें 7 आरोपी को पकड़ा है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि रात के वक्त वो इस तरह से किस वजह से रेती का उत्खनन करते हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में सभी से जानकारी ले रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग बालक को सूचना पत्र देकर छोड़ दिया है। पुलिस ने डीसीपी पतक के पुलिस कर्मचारी विजय बीसे की शिकायत पर नए पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक विनोद ढोंगड़े ने अपराध दर्ज किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, बीसी न्यूज नागपुर।